हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 42 साइज ब्राकेट ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हम बैक साइड में इस तरीके से हमें राउंड नेक काट करना है। तो फिर चलिए देखती हूँ किस तरह से इसको काट करना है। यह 80 सेंटीमीटर फेब्रिक लिया है 42 साइज ब्लाउज काट करने के लिए। देखिए ब्लाउज का लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए, कम ज़्यादा। हम यहाँ से टोटल 15 इंच लेना है, 15 इंच। यहाँ से भी 15 इंच। चाहे तो आप इसको स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से शोल्डर, हम पहले जैसा ही शोल्डर लेना है 5.5 इंच। और हमें आर्मोल लेना है, आर्मोल हम 6.2 इंच पर रखूँगी। देखिए 6.2 इंच। फिर हम यहाँ से भी 5.5 इंच लेना है। लेने के बाद हम इस पॉइंट को मिला लेना है, इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ से नेक लाइन लेना है। अगर आपको नेक डीप ज़्यादा चाहिए तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। हम यहाँ से 2 इंच ही लेना है, 2 इंच नेक डीप हम 9.5 इंच पर रखूँगी, 9.5 इंच। यहाँ से हम 3 इंच लेना है, 3 इंच को राउंड नेक बनाने के लिए हमें यहाँ से 3 इंच लिया है। इस तरीके से मिलाना है। अभी यहाँ से 1.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट लेना है। ये 42 साइज ब्लाउज है तो हम 42 को 4 से डिवाइड करने से 10.5 इंच आता है। तो यहाँ से हम 10.5 इंच लेना है, यहाँ से हम 10.5 इंच। और हमें सिलाई के लिए इस तरह ज़्यादा कपड़ा है, इतना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से 1 इंच ही लेना है, 1 इंच। चाहे तो आप 2 इंच भी ले सकते हो इस तरह ज़्यादा। हम कॉमन लेना है, ये 11.5 इंच है। हम यहाँ से 1 इंच कम करना है तो हम 10.5 इंच पर रखूँगी, 10.5 इंच। फिर इसके साथ हम इसको मिला लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम इस पॉइंट को भी मिला लेना है। हम इसको इस तरीके से शेप देना है। देखिए हम नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन करना है, थोड़ा सा डाउन करने से शेप अच्छा आता है। उसके बाद हम नेक को राउंड शेप देना है। फिर हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। लेने के बाद देखिए हम इसको इस तरीके से मिला लेना है। इस तरीके से तो ये ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट है। अभी हम इसको काट कर लेना है। फिर हम बैक साइड से हमें टैक्स लगाना है। ये टैक्स हम 4.5 इंच पर लगाऊंगे, 4.5 इंच। अगर आप इसको कितना तक उठाना है आप अपने हिसाब से उठा लीजिए, चाहे तो 2.5 इंच और 3 इंच। फिर हम इसको थोड़ा सा काट देना है इस तरीके से। तो इसके बाद हम इसको भी काट कर लेना है। बैक पार्ट काट कर लिया है, अभी हम फ्रंट पार्ट को काट करना है। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से रखना है इसको। फिर हम इसको निशान देना है।
इसके बाद क्या करना है देखिए, हम यहाँ से फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से और 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। अगर आपका सेस हैवी है तो आप 2 इंच ले सकती हैं, लेकिन हम यहाँ इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए तो इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच ही लेना है। 1.5 इंच लेने के बाद देखिए हम इस पार्ट को उठा लेना है। ये फ्रंट नेक है, हम यहाँ से 5.5 इंच लेना है। हमें फ्रंट नेक शेप देने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच उसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा शेप देना है और हमें हम यहाँ से 3 इंच लेना है। 3 इंच यहाँ से 3 इंच 3 इंच को भी हम इस तरह से हल्का सा शेप देना है। पुराना मूल है तो हम यहाँ से 1/2 इंच कम करना है। 1/2 इंच हम यहाँ से कम नहीं करना है, इसको हम ठीक यहाँ आकर मिला लेना है। इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हमें यहाँ से 6.2 इंच पर रखूँगी। 6.2 इंच फिर उसके बाद देखिए ये 42 साइज से हम यहाँ से 4.2 इंच और 4.2 इंच पर रखूँगी। अगर आपका चेस हैवी हो तो आप इस साइज से 1/2 इंच और इस साइज से 1/2 इंच बड़ा का ले सकते हैं। हम यहाँ 8.5 इंच लेना है तो हम 4.2 इंच को डबल किया है। और उसके बाद हमें यहाँ से 3 इंच लेना है। 3 इंच सिलाई में इस तरफ 1/2 इंच दबेगा और इस तरफ 1/2 इंच दबेगा। तो उसके बाद हम यहाँ से 6 लेना है। 6 को हमें एक लाइन देना है। इस तरीके से उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच उठाना है। 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच ही उठाना है। और इसके बाद यहाँ से 4.5 इंच फिर हमें इसको इस तरह से मिला लेना है। देखिए मिलाने के बाद देखिए हम इसको हल्का सा शेप देना है इस तरीके से। यहाँ से और एक पार्ट है, हम इसको अलग से कट करना है। पहले हम इसको काट कर लेना है। पहले हमें इसको इस तरह से एक सीधा लाइन खींचना है। देखिए हमें यहाँ से 1/2 इंच कम करना है और यहाँ से 1.5 इंच इसके भी हम 8.4 इंच पर ही रखूँगी। 8.4 इंच तो इसको हमें हाफ कर लेना है। फोर पॉइंट टू इंच फिर हम इसके साथ इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से भी मिलाना है। फिर देखिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर रखूँगी।
2.5 इंच और यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से 4 इंच मिलाने के बाद हम इसको काट कर लेना है। अब हम यहाँ से स्लीव काट कर लेना है। देखिए हमें नीचे फुल करने के लिए हमें हाफ इंच छोड़ देना है। हाफ इंच हम यहाँ नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ दिया और हम कितना लेना है 5.5 इंच और ऊपर की तरफ हमें सिलाई के लिए हाफ इंच दबेगा तो टोटल हम 6 इंच पर रखूँगे और यहाँ से हम 2.5 इंच लेना है। ये 2.5 इंच पर एक निशान देना है, फिर हम इसको मिला लेना है। इस तरीके से ये 6.5 इंच है और हम यहाँ से सिलाई के लिए और 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। इसके बाद हम इसको काट कर लेना है। तो हम यहाँ से कमर का बेल काट करना है तो इसको हम इस तरह से टू फोल्ड कर लेना है। टू फोल्ड करने के बाद देखिए हम इसको किस तरह से काट करना है। देखिए हम इसको बैक साइड का हिसाब से काट करना है। फिर देखिए हमें यहाँ से 6 इंच लेना है, 6 और यहाँ से 5 इंच और यहाँ से 5.5 इंच, फिर हमें इसको इस तरीके से मिलाना है। देखिए हमें इसको थोड़ा सा बड़ा ही काट के क्योंकि हमें फ्रंट साइड में कमर पट्टी अलग से काट नहीं करना है, हम इसी से कमर पट्टी सिलाई कर लेना है। तो इसलिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा ही काट करती हूँ। तो इसके बाद हम इसको काट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से कमर पट्टी और नेक पट्टी भी काट कर लेना है यहाँ से। और यहाँ से भी हम यहाँ से हमें हुक पट्टी को काट करना है। उसके बाद हम दूसरा साइड का हुक पट्टी भी यहाँ से काट कर लेना है। ये 42 साइज डबल कटरी काट ब्लाउज कटिंग कंप्लीट है। हम बैक साइड में इस तरीके से हमें राउंड ने काट किया है। अगर फिर मेरा वीडियो को पसंद आने से मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके स्टिचिंग मैं अगला वीडियो में करके दिखाऊंगी। फिर से मुलाकात होगा नया वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।